मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की भूमिका का विरोध करने वाले नगर सेवक वसंत मोरे को पार्टी के पुणे शहर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पुणे शहर अध्यक्ष पद पर नगर सेवक साईनाथ बाबर की नियुक्ति की है। गुरुवार को राज ठाकरे ने अपने आवास शिवतीर्थ पर बाबर को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस बीच मोरे के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने मोरे को पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। हालांकि मोरे ने दावा किया है कि वे मनसे पक्ष को नहीं छोड़ेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने भी वसंत मोरे को शिवसेना में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वसंत मोरे को मिलने के लिए बुलावा भी भेजा है। आदित्य शिरोडकर और युवा सेना नेता वरुण सरदेसाई ने वसंत मोरे को फोन किया है। जानकारी ये भी मिली है कि इस बीच पुणे में कई मुस्लिम मनसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पुणे मनसे शहर उपाध्यक्ष अजरुद्दीन सैयद समेत चार पदाधिकारियों ने अब तक मनसे से राजीनामा दे दिया है। तो वहीं पुणे में मोरे ने कहा कि मुझे राज साहिब का आदेश स्वीकार है, मैं मनसे को नहीं छोड़ूंगा। मोरे ने कहा कि मैं पुणे महानगर पालिका में 15 सालों से मनसे नगर सेवक हूँ। मेरे वार्ड में मुस्लिम मतदाता हैं जो मुझे वोट करते हैं, इसलिए मैंने राज साहिब के मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग को लेकर नाराजगी जताई थी, क्योंकि पार्टी की इस भूमिका के कारण मुझे पुणे महानगर पालिका का अगला चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती है। मैं पुणे शहर अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी अपनी भूमिका पर कायम हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।